वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। वीवीआईपी जिले में यूपी सरकार 13,272 गरीबों को देगी प्रधानमंत्री आवास योजना का तोहफा, गरीबों ने जताई खुशी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना वायरस से आम जनता को हर तरह से सहयोग करती नजर आ रही है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित हो या फिर गांव में गरीब लोगों को उनको छत देने की बात हो। शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13,272 गरीबों को छत देने का लक्ष्य तय किया। जिले में प्रत्येक ब्लॉकवार सूची जारी की जा रही है, प्लस आवास योजना के तहत बनाई गई सूची में शामिल गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर आवास का लाभ मिलेगा। सीएम योगी की पहल का नतीजा, मदरसा टीचर्स को ऑनलाइन क्लास की ट्रेनिंग के लिए आईआईटी और आईआईएम एक्सपर्ट से मिली मदद। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद और आईआईएम और आईआईटी के विशेषज्ञ मदरसा शिक्षकों को छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये राज्य में मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का एक हिस्सा है। सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से संबंधित स्कूल्स की तर्ज पर उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने मदरसा छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी। यूपी में अब कुएं में डूबने से हुई मौत भी आपदा, योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक उलटफेर। उत्तर प्रदेश में अब कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा या अन्य किसी जल स्रोत में डूबकर होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया गया। सूबे की योगी सरकार पानी में डूबकर होने वाली मौतों पर भी अब परिवारों को मुआवजा देगी। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। गौरतलब है कि इससे पहले बेमौसम भारी बारिश, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरबेल में गिरने से होने वाली मौत को ही राज्य आपदा घोषित किया गया था। अब इस श्रेणी में किसी भी तरह पानी में डूबकर होने वाली मौतों को भी शामिल कर लिया गया। यूपी में WHO के मानक से 10 गुना ज्यादा टेस्टिंग, 24 घंटे में 642 नए मामले, 0.2% पॉजिटिविटी रेट। टेस्ट रेट ट्रैक की नीति पर काम कर रही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना की दूसरी लहर पर तेजी से काबू पाते दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे के दौरान यूपी में 3.06 लाख कोरोना टेस्ट हुए, जिसमें 642 नए मामले निकलकर सामने आए, जबकि 1231 लोग कोरोना मुक्त होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 12,243 रह गई। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 98% और पॉजिटिविटी रेट 0.2% पहुंच गया। यूपी 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला देश का इकलौता राज्य है। पशुपेश में योगी आदित्यनाथ सरकार, प्रशासनिक पद छोड़ने को डॉक्टर नहीं तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक प्रस्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश के सरकारी चिकित्सक और सरकार आमने सामने है। चिकित्सकों को लगता है कि योगी सरकार उनके अधिकारों में कटौती करने जा रही है, इसलिए चिकित्सक लामबंद हो रहे हैं। उनका कहना है कि सेवा के लिए वे मर सकते हैं, लेकिन सम्मान के लिए त्याग नहीं कर सकते। मामला चिकित्सकों के प्रशासनिक अधिकारों से जुड़ा है। बीते दिनों डॉक्टर की ड्यूटी को लेकर एक आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर से अब केवल क्लिनिकल और मेडिकल ड्यूटी ही करवाई जाएगी। अस्पतालों के प्रबंधकीय कार्य के लिए MBA डिग्री धारक युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उच्च अधिकारियों को पत्र व मेल भेजकर कहा कि मरीजों की सेवा के लिए डॉक्टर चाहिए, न कि प्रबंधक। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके लिए किसी गैर तकनीकी प्रमुख के तहत काम करना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश के कई विभागों में निकली भर्तियां। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर 129 पदों पर भर्तियां निकाली। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों ने इस भर्ती के जरिए सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून 2021 से शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक UPPSC परीक्षा के जरिए इन पदों पर डायरेक्ट भर्ती करेगा। प्रयागराज और वाराणसी के लिए ट्रेन शीघ्र, 2 ट्रेन लखनऊ के यात्रियों को ले जाएंगी दिल्ली। रेल विभाग यात्रियों को तोहफा देने जा रही है। कोरोना वायरस से कुछ राहत मिलने के बाद रेलवे प्रयागराज और वाराणसी जाने वाले यात्रियों के लिए 2 अहम ट्रेन के संचालन को बहाल करने जा रहा है। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ से होकर दिल्ली के लिए भी 2 ट्रेन चलाई जाएंगी। व्यापारियों, किसानों और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, यूपी सरकार जल्द करेगी घोषणा। कोविड-19 से परेशान बिजली उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा राहत देना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिजली की दरों में इजाफा न किए जाने की घोषणा के बाद व्यापारियों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ और राहत देने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जल्द ही सरकार से विद्युत नियामक आयोग को पत्र भेजने की तैयारी है। आयोग को बिजली दरों पर सुनवाई के दौरान मौजूदा दरों को कम करने संबंधी आए प्रस्ताव पर भी पावर कॉरपोरेशन से जवाब का इंतजार है। सरकार व कॉरपोरेशन से पत्र मिलने के बाद आयोग बिजली दरों के संबंध में फैसला सुनाएगा।
यूपी में बाढ़ के प्रति अलर्ट जारी करने के निर्देश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून के बाद सभी जिलों में बाढ़ के प्रति अलर्ट लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए बेहतर टीम वर्क और अंतर विभागीय समन्वय से काम किया जाए। इसके चलते ही गत 4 वर्षों में प्रदेश में बाढ़ से बहुत कम जन व धन की हानि हुई है। बाढ़ से पूर्व की तैयारियों की वर्चुअल समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बाढ़ कंट्रोल रूम को कार्यशील कर दिया जाए और इनमें प्रशिक्षित लोगों को निरंतर निगरानी पर लगाया जाए। बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों में नौकाओं की उपलब्धता अभी से सुनिश्चित की जाए। योगी ने बाढ़ चौकियों की स्थापना, पेट्रोमैक्स की व्यवस्था के साथ साथ तटबंधों इत्यादि की प्रभावी पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने को भी कहा। यूपी के शहर में आंगनवाड़ी वर्कर और सेविकाओं के पद पर निकली बंपर भर्ती, 30 जून तक करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश के बाल विकास सेवा परीक्षा पुष्टाहार विभाग ने कानपुर शहर के लिए आंगनवाड़ी वर्कर और सेविकाओं के पदों पर बंपर भर्ती निकाली। इसके तहत विभाग कुल 620 पदों पर नियुक्तियां करने जा रहा है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 10 जून 2021 से शुरू हो गई और 30 जून 2021 तक चलेगी। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे इस दौरान आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि कुल 620 के पदों पर नियुक्ति के लिए 45 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है। 13 व 14 जून को मंदिर निर्माण समिति की बैठक, परिसर के विकास पर आर्किटेक्ट देंगे राय। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक 13 व 14 जून को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी सहित अन्य ट्रस्टी और आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा भी शामिल होंगे। इस दौरान राम जन्मभूमि परिसर व पूर्व में स्थापित कार्यशाला का भी निरीक्षण किया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर 12 जून को अयोध्या पहुंचेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 13 जून को राम जन्मभूमि परिसर पर चल रहे कार्यों के जायजा लेने के बाद कार्यशाला भी जा सकते हैं। वहीं ट्रस्ट महासचिव चंपत राय व कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी और LNT के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। शिक्षा मित्रों का बड़ा फैसला, जून का मानदेय नहीं तो ड्यूटी भी नहीं, महानिदेशक को लिखा पत्र। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने मांग की है कि जब उनसे पूरी ड्यूटी ली जाती है तो पूरे साल का मानदेय क्यों नहीं दिया जाता। इस संबंध में शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने बड़ा निर्णय लिया। उनकी मांग है कि जब तक महानिदेशक स्कूल शिक्षा कोई आदेश जारी नहीं करते, वो ड्यूटी नहीं करेंगे। शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने इसकी सूचना महानिदेशक को दी। जितेंद्र शाही ने कहा कि विभाग द्वारा मानदेय भुगतान के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश दी जाए, तभी वो जून में ड्यूटी करेंगे अथवा नहीं। हर शैक्षिक ब्लॉक में बनेंगे मॉडल स्कूल, 12,763 करोड़ की कार्य योजना तैयार। प्रदेश में बेसिक शिक्षा सत्र 2021-22 में कई बड़े बदलावों का गवाह बनेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी शिक्षा का इंतजाम होगा, तो प्रदेश के 901 शैक्षिक ब्लॉक में से प्रत्येक में मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित व विज्ञान की जटिलताएं रुचिकर तरीके से समझाने के लिए उन्हें इन विषयों की किट मुहैया कराई जाएंगी। ये सब प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित कार्य योजना का हिस्सा है, जिसे मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश सभा के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में मंजूरी दी गई है। 16 जून से सैलानियों के लिए फिर खुलेंगे यूपी के पर्यटन स्थल, कोविड प्रोटोकॉल के साथ मिलेगी एंट्री। उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार होंगे। 16 जून से सभी पर्यटन स्थल कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। बीते 2 महीने से कोरोना के कारण सभी पर्यटन स्थल बंद चल रहे हैं। इससे जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। अब जब पूरा प्रदेश अनलॉक हो गया है, ऐसे में पर्यटन स्थलों को भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई। बीते वर्ष लॉकडाउन के बाद जिन शर्तों के साथ पर्यटन स्थल खुले थे, उसी तर्ज पर इस बार भी इन्हें खोला जा सकता है। यूपी में बिजली आपूर्ति की शिकायतों पर ऊर्जा मंत्री सख्त, कहा अफसर तत्काल करें समस्या का निस्तारण। बिजली कटौती के लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अफसरों को निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उपभोक्ताओं को कटौती की सही जानकारी देने के लिए इंटरनेट मीडिया का भी सहारा लें। मंत्री ने पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि गाँव में सूर्यास्त से सूर्योदय तक बिजली आपूर्ति बनी रहे। शक्ति भवन में विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू हटने से सभी तरह की गतिविधियां धीरे धीरे शुरू होंगी। ऐसे में हमें संवेदनशीलता से काम करते रहना है, ताकि प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली मिलती रहे। सूदखोरों को खत्म करने की तैयारी में योगी सरकार। सूदखोरों के उत्पीड़न पर अब जल्द ही पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। यूपी सरकार इन्हें समाप्त करने की तैयारी में है। इसको लेकर शासन स्तर पर पूरा खाका तैयार हो गया है।
पिछले दिनों इसको लेकर राजस्व परिषद द्वारा जिला स्तर से साहूकारी लाइसेंस की जरूरत के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी। इसमें प्रशासन ने इसे खत्म करने पर सहमति दे दी। इसी के चलते जिले में पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम 1976 के तहत कोई भी नया लाइसेंस जारी नहीं हुआ। कई IPS अफसरों के तबादले, वैभव कृष्ण बनाए गए SP सुरक्षा मुख्यालय। उत्तर प्रदेश में कई IPS अफसरों के तबादले किए गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय से पुलिस मुख्यालय से अटैच अफसरों को तैनाती दी गई है। इसमें IPS वैभव कृष्ण को भी तैनाती दी गई, वो SP पद पर भेजे गए। ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार विश्वजीत महापात्र DG बनाए गए, वहीं सतीश माथुर को ADG के तौर पर नियुक्ति मिली है। इसके अलावा DIG स्थापन और कानून व्यवस्था का काम देख रहे धर्मेंद्र सिंह को DIG बनाया गया। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटी अलंकृता सिंह को SP 1090 की जिम्मेदारी दी गई है। BJP ने तय किए जिला पंचायत अध्यक्षों के चेहरे, 60+ सीटों पर जीत का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा 1 सप्ताह के भीतर होने के आसार हैं। इस बीच BJP ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। CM आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने जिला पंचायत अध्यक्ष के संभावित उम्मीदवारों और रणनीति पर मंथन किया। सूत्रों के अनुसार सरकार में खाली चल रहे अहम आयोगों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति को लेकर नामों पर भी सहमति बन गई है। भाजपा सरकार जो देने का वादा करती है वही छीन लेती है। UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो कुछ भी देने का वादा करती है वही जनता से छीन लेती है। कोरोना संकट काल में कुशल व अकुशल कामगारों के अपने गृह प्रदेश में वापसी पर मनरेगा में काम देने की घोषणाएं पूरी तरह से झूठी साबित हुई। आवंटित बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 35% की कटौती करके ग्रामीण रोजगार को संकटग्रस्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज यही कारण है कि मनरेगा बेहाल होकर लोगों को काम देने में असमर्थ हुई। जिनको काम मिल भी रहा है उनके भुगतान समय से नहीं हो रहे। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट काल में ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया, जिससे ग्रामीणों की आमदनी का एक बड़ा माध्यम खत्म करने का षड्यंत्र करने में उसके द्वारा हिचक नहीं दिखाई गई, जिससे बेरोजगारी का दर्द बढ़ता जा रहा है। SBI में FD कराने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, समय से पहले पैसा निकालने पर देना होगा चार्ज। अगर आपने भी फिक्स डिपॉजिट करा रखा है तो आपके लिए जरूरी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि एक तरफ हम जहां फिक्स डिपॉजिट को सुरक्षित निवेश मानते हैं, वहीं अगर आप प्री मैच्योर FD को ब्रेक करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। SBI ने बताया कि तय समय से पहले FD तोड़वाने पर आपको पैसा देना पड़ता है। बता दें कि बैंक की ओर से 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD की सुविधा दी जाती है। आइए आपको बताते हैं कि आपको कितने रुपए चार्ज के रूप में देने पड़ते हैं। बता दें कि वित्तीय संकट में लोग समय से पहले FD निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक आपसे कुछ चार्जेज वसूलते हैं। यदि आप SBI के ग्राहक हैं और समय से पहले FD से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक को शुल्क देना होगा। SBI ग्राहक अगर बैंक FD से 5 लाख रुपए तक निकालता है तो उसे 0.50% राशि जुर्माने के तौर पर देनी पड़ती है। इसके अलावा इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SBI की कस्टमर केयर टीम से टोल फ्री नंबर 1800-425-3800 या 1800-11-2211 या 0800-265-9999 पर संपर्क कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा BJP के 4 साल किसानों के लिए साबित हुए विनाशकारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा के 4 साल किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुए। 3 काले कृषि कानून को लेकर किसानों को बड़े पूंजी घरानों को आश्रित बना दिया। न किसान को फसल का दाम मिल रहा है और न ही उससे किए गए वायदे पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के 4 साल किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुए। 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों को बड़े पूंजी घरानों का आश्रित बना दिया। न किसान को फसल का दाम मिल रहा है और न ही उससे किए गए वादे पूरे हो रहे हैं। 1 जुलाई से बदल रहे हैं बैंक के नियम, ATM कैश विद्रॉल के बढ़ेंगे चार्जेस, BSBD खाता धारक जान ले सभी बदलाव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई से अपने ATM और बैंक शाखाओं से नकद निकासी के नियमों और शुल्कों में बदलाव लाने जा रहा है। नए चार्जेस SBI के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों के लिए होंगे। ATM से नकद निकासी पर शुल्क से लेकर चेकबुक और नॉन फाइनेंशियल लेन देन तक में बदलाव आने जा रहे हैं। UP में PCS समेत 5 भर्ती के 13 लाख बेरोजगारों को परीक्षा का इंतजार। अनलॉक होने के साथ ही युवाओं को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उम्मीदें बंधी हैं। आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अप्रैल, मई और जून की 5 महत्वपूर्ण परीक्षाएं निरस्त कर दी थी। इसमें 5 भर्ती में कुल 2,777 पद थे और 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तकरीबन 3 महीने कामकाज प्रभावित होने के बाद आयोग पर भी चयन प्रक्रिया तेज करने का दबाव है। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने 21 महीने में 22,870 सिलेक्शन देकर जो मानक स्थापित किए उसके अनुरूप युवाओं की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत को मेहनत करनी होगी। पेट्रोल 100 रुपए के पार, समझे पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों का पूरा गणित।
देश के कम से कम 6 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। दरअसल मई 2021 की शुरुआत से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 4.90 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने के कारण ऐसा हुआ। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि पेट्रोल डीजल के घरेलू दाम कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में उछाल के कारण बढ़ रहे हैं। वहीं आज की आखिरी खबर पर डालेंगे कोरोना अपडेट पर एक नजर, तो सामने आए 642 नए केस, 12,642 रह गई सक्रिय मामलों की संख्या। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। प्रदेश में बृहस्पतिवार को कोरोना के 642 नए केस सामने आए। इस बीच प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 12,642 रह गई। बृहस्पतिवार को 1,231 लोग रिकवर हुए, साथ ही पॉजिटिविटी दर 0.3% रह गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।